मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर मिली बंपर जीत का राज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खोल दिया है। शर्मा ने पन्ना में भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए सभी का स्वागत किया। देखिए रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का एक्टिव अंदाज प्रदेश बीजेपी को जीत के किले में तब्दील करता जा रहा है, जिसकी वजह है खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने पन्ना विधानसभा क्षेत्र के मतदाता एवं कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में शामिल होकर मिशन 29 के राज से पर्दा उठा दिया। विधि शर्मा ने विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जनता के अटूट विश्वास और पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से भाजपा को मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों में ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है। ये जो लोकतंत्र में एक संगठन के माध्यम से चलने वाली पार्टी है और संगठन का मुखिया यदि आज हमारे बीच मजबूत है, हमारा बूथ में लड़ने वाला कार्यकर्ता मजबूत, हम अपने आप से मजबूत नहीं है, आपकी दम पे हम मजबूत, वो आपकी दम पे इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए वीडी शर्मा ने प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर मिली जीत का भी राज खोला। आज पूरे खजुराहो लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में, आज अभी पन्ना विधानसभा के सभी बूथ के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन का कार्यक्रम, तो कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, जनता का आभार, आज एक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। पूरे लोकसभा के सभी विधानसभाओं में इस बार कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से जो खजुराहो लोकसभा में इतिहास बना, मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें जीत करके इतिहास बनाया, तो इसके पीछे कोई ताकत है तो प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता की ताकत है। इसलिए आज हमने बूथ के कार्यकर्ता जहाँ सर्वाधिक मतों से जीते हमने उनका भी सम्मान किया है, हमने वरिष्ठ मतदाताओं का अभिनंदन भी किया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के अंदर सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और जनता का आभार व्यक्त करने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए मंत्र तो केवल एक ही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल के अंदर मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के दौरान आकर के कहा था कि हर बूथ को मजबूत बनाने का काम करना है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। तो भाजपा मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जो बूथ मजबूती का काम विगत 3 वर्षों से हम कर रहे थे, तो विधानसभा में भी इतिहास बना, हम 8% वोट बढ़ाया, 163 सीटें जीते, और इस बार भी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कार्यकर्ताओं की मेहनत, मोदी जी का नेतृत्व और विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों की ताकत के आधार पर इस बार इतिहास रचा है। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे किसी का योगदान है तो प्रत्येक बूथ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत का ही परिणाम है कि वो सजग प्रहरी के तौर पर बूथ पर खड़ा रहा और मोदी जी के नेतृत्व में जीत का इतिहास। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पन्ना में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से दिल खोलकर चर्चा की।